रेक्स्टर, सर रेक्स्टर सो रहा है। सो गाइस, रेक्स्टर पीछे आंगन में सो रहा था यहाँ पे। माय बाइक इज ऑल सेट फॉर टुडे। बाइक को बाहर निकाल दिया हूँ, अब मम्मी है यहाँ पे। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. सुबह के 10:30 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं भड़ा घोड़ा। और आज का राइड का जो रूट होगा मेरा, वो होगा भड़ा घोड़ा से बॉम्बे चौक होते हुए वाया बालासोर होते हुए मैं आज निकलूंगा भुवनेश्वर। सो टोटल जर्नी 400 किलोमीटर का है और यहाँ से मैं ले लिया हूँ राइट और बॉम्बे चौक। हरियाली, ऑसम ऑसम व्यू है। तो मैं बॉम्बे चौक पहुंच चुका हूँ बालासोर होते हुए। ये रूट बहुत ही स्मूथ रूट है। बालासोर यहाँ से 92 किलोमीटर है टोटल। यहाँ से कटक लगभग 210 किलोमीटर है। सो आगे जाकर मैं कहीं मेरा फर्स्ट स्टॉपेज लूंगा। अभी 11:55, अभी तो गाइस दोपहर के बज रहे हैं 12:03 और बालासोर में क्रॉस कर रहा हूँ अभी। सो गाइस, अभी यहाँ से 175 किलोमीटर है कटक। सो पहला स्टॉपेज में रुका हूँ। चलो भैया, कुछ देर पहले मैं रुका था और अभी मैं रुका हूँ दही बड़ा खाने के लिए। दही बड़ा, हाँ बड़ा एक। उड़ीसा जब भी आता हूँ तो मैं दही बड़ा जरूर खाता हूँ। तो अभी प्रिपेयर हो रहा है। ये रहा लाजवाब दही बड़ा। चलो भैया, नाश्ता हो गया है, पेट हो चुका है फुल, अभी निकलते हैं। 160 किलोमीटर रिमेनिंग और मौसम ने ले ली है करवट। आज से हमारे झारखंड में भी बारिश होने की संभावना थी और मौसम इधर भी ऐसा ही लग रहा है। इस रोड में आपको कहीं कहीं डायवर्सन देखने को मिल जाएगी। लगभग 1-1.5 सालों से तो काम चल ही रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। डिस्टेंस है दोपहर के पौने। ओह, क्या लाल लाल तरबूज मिल रहे हैं साइड में भाई, इतनी बड़ी क्रेन है। वर्क इज गोइंग ऑन। सो कटक से पहले भी बहुत सारे डाइवर्सन हैं जहां आपको धूल वगैरह तो मिलेगी ही मिलेगी। शाम के 4 बज गए हैं और कटक में पहुंचने ही वाला हूं जस्ट। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड राजा, वो मिलने वाला है मुझसे कटक में। दोनों साथ में लंच करेंगे और बातें होगी, तो मिलवाऊंगा मैं बहुत ही जल्द। मैं थोड़ा आगे हूँ, मैं बहुत आगे आ गया हूँ भाई। खोजते खोजते एकदम हालत खराब होगी, इतना घुमा दिया ना मेरे को। सुबह मैं लेट से निकला 10 बजे, हाँ, और यहीं तो मेरा आधे घंटे से ज़्यादा यहाँ हो गया। इधर से गूगल लोकेशन में दिखा रहा कि घूम के जाना है, वहाँ आगे में खड़ा था, घूम के आया फिर मेरे को आगे। हेलो गाइस, तो फाइनली कटक पहुंच चुका हूं और मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है हॉस्टल का राजा, मीट राजा। हाय। सो हम लोग अभी लंच करने के लिए रुके हुए हैं और बहुत सालों बाद एक्चुअली हम लोग का मीटअप हो रहा है। क्या कॉलेज राजा? के बाद बाद। हाँ, कॉलेज में हम लोग एक साथ हॉस्टल में रहते थे 2013 के बाद हम लोग मिले ना, तो 15 के बाद मेरे मिल के बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा सा खोज रहे हैं, गूगल लोकेशन हम लोग को परेशान कर दिया था, तो अभी लंच करेंगे पहले। सो गाइस, अभी शाम के कितने बज रहे हैं? शाम के बज रहे हैं 4:55 और हम लोग सेफिस में अभी कटक में रुके हुए हैं। अभी हम लोग का लंच होने वाला है। स्वादिन भी वेट किया, लंच अभी तक किया नहीं, तो साथ में हम लोग करते हैं। सो गाइस, शाम के 5:30 बज गए हैं और लंच करके पेट पूरा हो चुका फुल। और अभी मैं जा रहा हूँ मेड बाइकर। कटक में मेड बाइकर का जो स्टोर है वो खुला है, भुवनेश्वर के बाद ये सेकेंड स्टोर है।
और दोपहर का खाना जो स्किप हो गया था हम लोगों ने अभी खाया और पेट इतना फुल हो गया ना कि मुझे चलाने का भी मन नहीं कर रहा बाइक। बहुत लेट से हम लोगों ने खाना खाया। हेलो गाइस, सो अभी शाम के लगभग 6 बज रहे हैं और अभी मैं इस वक्त हूँ मैड बाइकर। चलिए अंदर दिखाता हूँ आपको। सो ये न्यूली ओपन हुआ है कटक में। इसका फर्स्ट ब्रांच जो था वो था भुवनेश्वर में एंड सेकंड ब्रांच ये कटक में है। सो भैया से मिलाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आशीष। सो इनसे अभी मैं ले रहा हूँ टैंक बैग। ये रहा मेरा टैंक बैग, बिल बन चुका है, अब बस लेके निकलना है। आपको बस स्टोर दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मिलता हूँ फिर, आना जब तक। ठीक है, थैंक यू। तो गाइस अभी कटक से निकल चुका हूँ। सो मेड बाइकर से टैंक बैग भी खरीद लिया हूँ और राजा भाई को बाइक कर दिया हूँ। अभी 20 किलोमीटर है यहाँ से भुवनेश्वर, लगभग आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। सो व्लॉग को देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल में नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।